धरने के चौथे दिन केजरीवाल की पीएम मोदी से फरियाद, चिट्ठी भेजकर की आईएएस अफसरों की हड़ताल तोड़ने में हस्तक्षेप की मांग। केजरीवाल का आरोप, एलजी नहीं दे रहे मांगों पर ध्यान, भाई को मुझसे मिलने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी आज राजघाट पर निकालेगी कैंडल मार्च, कल सीएम हाउस से एलजी बंगले तक किया था मार्च। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी नेताओं और कपिल मिश्रा का धरना भी जारी, आज लगाए पोस्टर। नहीं थम रहा अखिलेश यादव का बंगला विवाद, आज स्टेट डिपार्टमेंट मामले में सौंप सकता है अपनी रिपोर्ट। एक दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे पीएम मोदी, रायपुर से जगदलपुर के बीच विमान सेवा का करेंगे आगाज। रायपुर स्मार्ट सिटी और भिलाई में होने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे पीएम, भिलाई में आम सभा को भी करेंगे संबोधित। ब्लॉक को लेकर अरुण जेटली पर बरसी कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला ने कहा देश की जनता मोदी नॉमिक्स और जेटली नॉमिक्स से उब चुकी है। जेटली ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर साधा था निशाना, कहा था सही रास्ते पर जा रही है अर्थव्यवस्था। राजस्थान के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का विवादित बयान, कहा विकृत बच्चों को जन्म ना दे महिलाएं। बांदीपोरा में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बल की जबरदस्त मुठभेड़, दो आतंकवादी ढेर, एक जवान शहीद। बांदीपोरा के पनार जंगल में पिछले छह दिन से चल रहा था सर्च ऑपरेशन, आज सुबह हुई मुठभेड़। पुलवामा में अगवा सुरक्षाकर्मी रहा, कल दहशतगर्दों ने किया था अगवा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में स्पेशल पुलिस ऑफिसर पर आतंकी हमला, हमले में एसपीओ की बहन घायल। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन को लेकर आज गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग, राजनाथ सिंह की अगुवाई में आला अधिकारी होंगे शामिल। दो साल बाद कांग्रेस ने फिर शुरू की रोजा इफ्तार पार्टी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कांग्रेस के दिग्गजों ने की शिरकत। राहुल के बगल में नजर आए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी मौजूद। इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी का सियासी अंदाज, टोपी पहने नजर आए कांग्रेस अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दी इफ्तार पार्टी, तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं ने की शिरकत। पटना में आरजेडी की ओर से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन, बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी हुए शामिल। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी में सांस लेना हुआ मुश्किल, आसमान में छाई धूल की चादर। राजस्थान से चली धूल भरी आंधी की वजह से दिल्ली एनसीआर की हालत खराब, दिल्ली में दिन के वक्त कई इलाकों की विजिबिलिटी में गिरावट। पंजाबी बाग, द्वारका और पड़पड़गंज में 3000 के पार पीएम 10 का स्तर, दिल्ली में सामान्य पीएम 10 का स्तर होना चाहिए 100। मौसम विभाग की चेतावनी, कुछ दिन तक राहत नहीं मिलेगी, अब बारिश से ही दिल्ली को मिल सकती है राहत। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, अगले दो दिन तक भारी बारिश की आशंका। यूपी में तूफान से मरने वालों की संख्या 13 पहुंची, कन्नौज में आंधी तूफान में एक महिला समेत दो लोगों की मौत। फतेहपुर में पुलिस स्टेशन में आंधी की वजह से गिरा पेड़, जान बचाकर भागे लोग। बीकानेर में रेगिस्तानी तूफान का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त, जैसलमेर में भी रेगिस्तानी तूफान ने मचाया कोहराम। बलरामपुर में तेज आंधी और बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुवाहाटी में भारी बारिश, खतरे के निशान से ऊपर नदियां। इम्फाल में भारी बारिश के चलते आज स्कूल बंद। असम के गोलाघाट में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश, पानी में डूबा नेशनल हाईवे 37। असम के आंगलोंग और गोलाघाट में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई निचले इलाकों में घुसा पानी। मिजोरम में कई जगहों पर भूस्खलन से राजमार्ग बंद, बाढ़ प्रभावित इलाके से हजारों लोगों को किया गया रेस्क्यू। त्रिपुरा के बिलोनिया में कई घर पानी में डूबे, आपदा प्रबंधन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी, अब तक दो की मौत। इम्फाल में भारी बारिश के बाद कई इलाके फ्लैश फ्लड की चपेट में, नदी में कटाव से लोगों में दहशत। राजकोट में बेकाबू होंडा सिटी कार का कहर, पहली घटना में सड़क पर बाइक सवार को रौंदा, दूसरी घटना में होंडा सिटी कार ने पेट्रोल पंप पर लगे मशीन और ऑटो रिक्शा को उड़ाया, तीन लोग जख्मी। कोच्चि में कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 10 करोड़ के अमेरिकी डॉलर और सऊदी के नोट बरामद। बस्ती में 1 करोड़ रुपए की 1100 पेटी अवैध शराब बरामद, पंजाब से बिहार की तरफ जा रही थी तस्करी। पुष्कर से फ्रांसीसी महिला के लापता होने के बाद हड़कंप, 30 मई के बाद से लापता महिला का कोई सुराग नहीं, फ्रांस के दूतावास ने पुलिस से मांगी जानकारी। मुंबई में कैश वैन लूटकर 4 बदमाश हुए फरार, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
मुंबई में लापरवाही में लिए एक युवक की जान, गलत साइड से बाइक ले जाने पर हादसा, अन्य तीन जख्मी। नोएडा के सेक्टर 58 में ऑटो सवारियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 8 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों पर कई दूसरे शहरों में भी दर्ज हैं केस। दिल्ली के द्वारका में 72 साल के रिटायर्ड कर्नी पर महज 10 साल की मासूम से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनीपत में नाबालिग बेटियों से हैवानियत, सौतेले बाप पर लगा आरोप, एनजीओ की मदद से केस दर्ज। कुशीनगर में अवैध संबंधों के शक पर शादीशुदा पत्नी और उसके प्रेमी को गांव वालों ने जमकर पीटा, फेर से बांधकर की पिटाई। बिहार के खगड़िया में टोला सेवक की जंजीर से बांधकर हुई पिटाई, करीब 3 घंटे तक की गई पिटाई, पैसों के लेन देन का था विवाद। मिर्जापुर में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में था शामिल। दिल्ली में ज्वेलरी शॉप में चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, 12 जून का है मामला। दिल्ली में ज्वेलरी मालिक लूटने के बाद की गई उसकी हत्या, बच्चे के सामने पिता का किया गया कत्ल। सोनीपत में नाबालिग से अपहरण के बाद रेप, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमृतसर में एनआरआई दूल्हे की धोखाधड़ी शिकार बनी पत्नी, जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में हफ्ते भर पहले नलकूप पर सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, माता पिता की हत्या के लिए बेटे ने दी थी 30,000 की सुपारी। मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर के उरसला अस्पताल के डायरेक्टर का क्लर्क घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, बिल क्लियर करने के नाम पर मांग रहा था 10,000 की रिश्वत। रोहतक में एसबीआई बैंक से 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी, बैंक मैनेजर से मिली भगत का आरोप, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। ग्वालियर में बांग्लादेश के रास्ते भारत की सीमा में घुसने वाला शख्स थाने से भागा, 3 साल पहले हुआ था गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर में साधु के वेश में एक शख्स ने बच्चे का किया अपहरण, बच्चा भागने में हुआ सफल। राजगढ़ में पुराने विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के रतलाम में फसल बर्बाद होने और कर्ज में डूबे होने की वजह से किसान परेशान, प्रशासन से की इच्छा मृत्यु की मांग। बांसवाड़ा में माही नदी में डूबने से 2 महिला और 1 बच्ची की मौत, एक ही परिवार के थे 3 सदस्य। सूरत में दान पेटी का ताला तोड़ने में असफल चोर ने उड़ाई दान पेटी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। नोएडा में बाथरूम में गई महिला की सूझबूझ से मोबाइल कैमरा पकड़ा गया, आरोपी के खिलाफ मुकदमा। सवाईमाधोपुर में विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म, परिवार के 1 सदस्य पर आरोप। महाराष्ट्र के वर्धा में 1.5 साल की बच्ची को जहर देने के बाद पति पत्नी ने लगाई फांसी, 1 दिन पहले परिवार के साथ हुई थी कलह। कासगंज में पुलिस ने 2 एटीएम हैकर्स को किया गिरफ्तार, एटीएम बदलकर करते थे धोखाधड़ी। फतेहाबाद में स्कूटी से हेरोइन तस्करी करने जा रही महिला पुलिस के हत्थे चढ़ी, 2 साथियों के संग हुई गिरफ्तार। वैशाली में बाइक चोर चढ़ा पब्लिक के हत्थे, जमकर हुई पिटाई। जामनगर में पुलिस स्टेशन के सामने बड़ा ब्लास्ट, जब्त सामान के अंदर से हुआ धमाका। गुजरात के पाटन में छात्रा के साथ बलात्कार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली में व्यापारी के साथ 1.5 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अकोला में फसल कर्ज न देने पर एक्सिस बैंक पर कार्रवाई, जिलाधिकारी ने ब्लैकलिस्ट में डाला। किशनगंज में रेलवे ट्रैक पर 2 महिलाओं का शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। बर्दवान में तृणमूल के 2 गुटों के बीच संघर्ष, जमकर मारपीट और बमबाजी। मोतिहारी में शिक्षक और कुलपति के बीच चल रही लड़ाई में आया छात्रा का वीडियो टेप, शिक्षकों पर लगाया यौन शोषण का आरोप। बेंगलुरु में भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टेस्ट शुरू, धवन और विजय की सधी शुरुआत। 8 साल बाद दिनेश कार्तिक की टेस्ट टीम के प्लेइंग 11 में वापसी, अश्विन और जडेजा संभालेंगे स्विंग गेंदबाजी की जिम्मेदारी। टेस्ट में डेब्यू करने वाला 12वां देश बना अफगानिस्तान, पीएम मोदी ने दी बधाई। अफगानिस्तान के कप्तान असगर स्टानिसगई ने कहा, उनकी टीम को नतीजे की नहीं है परवाह, हम अपनी ताकत पर खेलने को तैयार। न्यूजीलैंड की एमिलिया केर ने आयरलैंड के खिलाफ खेली 232 रनों की पारी, 17 साल की उम्र में दोहरा शतक बनाने का कीर्तिमान। प्रकाश झा की अगली फिल्म में दिखेंगे संजय दत्त, फिल्म की शूटिंग साल के अंत में शुरू। नॉर्थ ईस्ट की लड़की के वीडियो का मजाक उड़ाना राखी सावंत को पड़ सकता है महंगा, एक्ट्रेस माइका शर्मा ने उन्हें कोर्ट तक घसीटने की दी धमकी। फिल्म यमला पगला दीवाना 3 का ट्रेलर आज होगा रिलीज, फिल्म 15 अगस्त को होगी रिलीज। लिव इन पार्टनर नीरू रंधावा ने एक्टर अरमान कोहली पर लगाए आरोप, लिए वापस, मारपीट के केस में अरमान की हुई थी गिरफ्तारी। रेस 3 का फनी डब स्मैश वीडियो, बॉबी ने बोला डेजी का डायलॉग, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
आज से शुरू दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल का महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप मॉस्को में जबरदस्त कार्यक्रम, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हुए शामिल। रूस और सऊदी अरब के बीच मुकाबले से होगी शुरुआत, भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दुनिया भर में चढ़ा फीफा का क्रेज, भारत में कोलकाता से लेकर केरल तक जश्न। भुवनेश्वर में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का फीफा को तोहफा, कहा ऑल द बेस्ट। फीफा वर्ल्ड कप में ऑक्टोपस की तरह एक बिल्ली करेगी विजेता की भविष्यवाणी, आज के मैच में रूस की जीतने की भविष्यवाणी। डिजिटल पेमेंट को वीजा के कदम से मिलेगा नया हौसला, 2000 रुपए तक डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन चार्ज में 95% की कटौती। रुचि सोया को खरीदने के लिए पतंजलि को अडानी ने पछाड़ा, पहले दौर में लगाई 6,000 करोड़ की बोली। बजाज ने लॉन्च की पल्सर 150 क्लासिक, करीब 67,000 रुपए है शुरुआती दाम। नई स्विफ्ट को मिला ग्राहकों का जोरदार समर्थन, लॉन्च के महज 145 दिन में 1,00,000 कारों की बिक्री। फंड जुटाने की HDFC की योजना को कैबिनेट की मंजूरी, FDI के जरिए 24,000 करोड़ रुपए जुटाएगा HDFC बैंक। बोलिविया में छात्र और पुलिस के बीच झड़प, जमकर हंगामा। गाजा की ओर से इसराइल पर हुए रॉकेट हमलों को लेकर UN की निंदा। किम से मुलाकात पर बोले ट्रंप, दक्षिण कोरिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास को लेकर नहीं की कोई बात। सेंट पॉल में रकून 17वीं फ्लोर पर चढ़ा, रेस्क्यू के बाद बचाई गई जान। इमरान खान को गे बताने वाली रहम बोली, पाक को सच जानने का हक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।